दादा साहेब फिल्म ये वाला, एंड यहाँ पे टिकट करना पड़ेगा पर पर्सन 1000 रुपीज़। बहुत महंगा है बाबा, मुंबई तो कॉस्टली। ये कोई तो है मर्सिडीज में, के 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 किए से बस मेरे को पता भी नहीं चला कौन है वो। फिर हम यहाँ पे बैठे ये वाले बस में। अरे यार पता है उस साइड में धूप नहीं होती, इस साइड में धूप होगा। तो हम जब गए तो हमें ये गाड़ी दे दी, तो इतने सारे लोगों, ये हमारे गाइड थे जो हम बातें कर रहे थे। किसी हीरो से मिलाओ, छुट्टी दिखाओ, बेस्ट छुट्टी के अंदर लेकर भी जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है छुट्टी होती है वो प्रोड्यूसर गणपति नमः, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, हमने मंत्र पढ़ दिया है। सो फाइनली वी आर इन नाउ। दोस्तों जब आप लोग बाहर आओगे ना, तो बाहर आने से पहले हम आपको राइट हैंड साइड हमारी कैरावैन खड़ी है, देखो यहाँ पर हम आपको 70 सिनेमॉन व्हील्स भी दिखाएंगे। 70 सिनेमॉन व्हील्स यानी फिल्म अंदर चलेगी 5 मिनट की, बड़ी जबरदस्त फिल्म है ये। 70 फिल्म है, 3D का भी बाप चश्मा पहन के देखी जाती है, पानी भी गिरता है, चेयर गिरती है, भूकंप भी आता है, ऐसी आवाज भी आती है। वेल राइट इन साइड में भैया इस सेट का नाम है, तो शुरू रखो, इस जगह का नाम है दोस्तों साई मैदान। फिलहाल यहाँ पर सेट बन रहा है, मेरा होने वाला है। फिल्म का नाम है लुका छुपी 2। लुका छुपी 2 के हीरो हैं विकी कौशल और हीरोइन है दोस्तों सारा अली खान। कुछ दिनों पहले यहाँ पर विकी कौशल से जायजा करने आए थे, लोगों ने पूछा कि भाभी जी कैसी है, भाभी जी कैसी है, भाभी जी कैसी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सलमान के पास गई है फिल्म टाइगर की शूटिंग के लिए। क्या करें भाई, सलमान तो शादी के बाद फिल्म बना रहे हैं। राइट एंड साइड में भैया इस सेट का नाम है वेलकम मैदान। आपने वेलकम मूवी देखी है, दोस्तों अगर आपने मूवी देखी है तो बताइए आवाज किसकी है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कैसा नाम है, निकाला चलो मजनू चलता है। दोस्तों मधुबाला बावरी हैप्पी लव पदार्थ हमारे चैनल प्रोफेसर शुद्ध यहाँ पर हुए हैं। आजकल एक नई मूवी बनने वाली, इसका नाम है शेर पंजाब। 1940 की फिल्म है, 1940 की, ये जो लुधियाना ऐसा कुछ बना रहे हैं, 1940 का लुधियाना बना रहे हैं। दोस्तों अभी लुधियाना वैसा नहीं रहा ना, और पूरी टीम के साथ वहाँ जाके शूट करना मुश्किल भी है। शायद फिल्म के हीरो अजय देवगन है, शायद कन्फर्म नहीं है। वही दोस्तों ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको भी याद है चटनी कलैया पे पंजाब, उस गाने में यहाँ पर थाईलैंड बनाया गया था, वो कैसे बंद हम आपको बताएंगे। और सबसे सक्सेसफुल संजय लीला बंसाली की आने वाली फिल्म जिसका नाम है हीरा बंटे। वेल एक्चुअली में सेट है ना, ये है गंगूबाई काठियावाड़ी का। गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग फिनिश हो गई, तो उसी सेट को थोड़ा सा घुमा करके रीयूज किया जा रहा है उनकी अगली फिल्म जिसका नाम है दोस्तों हीरा मंडी। दोस्तों ये लोकेशन जो है वो संजय लीला भंसाली की लोकेशन है, वो जो भी फिल्म यहाँ बनाते हैं वो केवल 5 दिन में 100 करोड़ और 10 दिन में 250 करोड़ कमाती है। काठियावाड़ी दोस्तों गांधी ऊपर यशराज जी के पास चला जाता। चलो इसका हीरो को नहीं बता रही लाला को घर पछते देखना पसंद है, जुड़ते नहीं उसी यही पूरी वायरल साइड कमाटीपुरा बनाया गया था। कमाटीपुरा याद है जब कमाटीपुरा में अजय देवगन दमदार एंट्री करता है। इस फिल्म के अंदर ना ये उस समय की बात है जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, मुरारजी देसाई और साहब ने बनाया था विष्णु पुराण। फिलहाल खाली है तानाजी फिल्म के अंदर जो आपने कोंडाना किला देखा यहाँ पर बनाया गया था। कोंडाना किले को जीतने के लिए तानाजी मंसूरे गए, किला तो जीते पर तानाजी शहीद हो गए। उनके जाने के बाद शिवाजी महाराज ने कहा गढ़ आला। दोस्तों पहली फिल्म से यही से शुरू होती थी, पहली बहुत पहले पांच से। राइट हैंड साइड में रिलायंस मीडिया वर्क्स आई, यहाँ पर फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन होता था, बंद हो गया। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब डबिंग, फॉली, साउंड इफेक्ट्स, कलेक्शन। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मुकेश अंबानी के छोटे तो अच्छा है। ये चौराहा कहीं बनता है गांधी चौक में, अंबेडकर चौक, पोपट लाल यहाँ के ऑटो पकड़ते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बरसात में देखा होगा आपने, इससे अच्छा था फिल्म। चलो हॉस्ट्रेल जाते हैं दोस्तों, पोपट लाल ना नेशनल चलेगी दोस्तों, अभी ना बहुत टाइम बाद लोग आए हैं, सेटअप लगा रहे हैं, बहुत टाइम जाएगा। वो हमको उतार के पता नहीं कहाँ पे लेके।
कोई मूवी का सेट बन रहा था शायद ही, पर वैनिटी वैंस थे यानी पता नहीं, तो चलते जा रहे थे कि ना अभी तारक मेहता पहुंच गए। कुलदम सोसाइटी का गार्डन जहाँ पे आधा शूटिंग वूटिंग होता है। कुलदम सोसाइटी दिख रही कोई? हाँ सॉरी, अच्छा ये उसका घर है ना, भीड़े मास्टर का सीधा वाला। हाँ पोपटलाल दिख रहा है, पोपटलाल है ना ये सामने वाला। हाँ पोपटलाल आया अभी, अभी जेठालाल के दिखे थे। हाँ बोले तो वो देखो क्या जेठालाल भी दिखे थे। वो देखो कहाँ पे, वो लाल टी शर्ट में है ना भी। अच्छा अच्छा इधर आए क्या, इधर आ गए। वो रहा पोपटलाल, वो देखो वो टोपी में, वो गोल टोपी में। मैं देखी देखी पोपटलाल, वो रहा पोपट भाई। एक सेकंड ना, वो रहा पोपट भाई। हाँ पोपटलाल। कंगना रनौत की वैनिटी है ये, 100% आ गई है क्योंकि उसके साथ 200 प्लस सिक्योरिटी के साथ खड़ी है ना, इसीलिए अब वो बाहर आएगी तो दिखेगी दोस्तों, अभी फिलहाल तो अंदर ही है पर आ गई है, 100% आ गई है। उसी गाड़ी का नंबर शायद BMW 3005 है, वो भी दिखेगी। तो जब कोई शूटिंग होती है ना टेलर वगैरह सब साथ में ही आते हैं, ताकि कहीं कपड़ा कोई छोटा मोटा हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो साथ में रिपेयर भी कर देंगे। जैसे बहुत टाइट कपड़े पहनते हो टूट फट सकता है कपड़ा उसका ना, तो टेलर हमेशा रेडी रहता है। इसके अंदर ही है जिस सिक्योरिटी दी ना इसको दोस्तों, इसके अंदर ही है। तो सही जो इसके पास गन है ना, ये AK-47 है। AK-47 मतलब कि एक साथ करके 47 गोले निकलेंगे इस तरह की। 20-25 साल के हैं तो थोड़ा सा चेहरे में दर्द होगा। राइट हैंड साइड में भैया ये है, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। हाँ बेटा जरा गाड़ी रोको दादा, लगता है कोई आ गया। साहिर शेख इसका हीरो है, साहिर शेख। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी बहुत सारे शो में था ना, महाभारत में अर्जुन ही बना था दोस्तों। शांति ओम का धुम धुम धा किसको पटक ये ट्रेन में ट्राई टायर्स ऐसे प्रोडक्शन वाला इंडियन रेलवे और ये उनका सामान। इंडिया का सबसे फेमस मंदिर हर शूटिंग में यूज होता है। उसका सीढ़ी यानी है, कभी दुर्गा मंदिर कभी श्री कृष्ण का मंदिर, मूवीज में कई बार। अरे बाप रे, हाँ भाई ना मंदिर होता है ना, जब भी कोई शादी होती है तो इधर आ जाते हैं। और कोई सीढ़ी से सीढ़ी में गिरने का सारी शादियां इसी मंदिर में होती है, जो भी शादी होती है इसी मंदिर में। भाई ये लेकर घूमे तो बाहर अंदर आ गए, वो सभी से उधर शादी। अरे बाप रे, ये मंदिर है, सीढ़िया। चलो चलो चलो, बट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मूर्ति नहीं है, शूटिंग के टाइम पे ही रहेगा। चारों तरफ कितने बार दिखाएं इसको, दिखा दिखा के पागल बना दिए। देखो ये गोइंग का मिला जहाँ कार्तिक रहता है।
नायरा एंड कार्तिक कार्तिक का घर है। अरे भैया कितने दूर कितने पास रहते हैं, यही तो मॉल का घर इंडिया। दोस्तों अभी सेट में चेंजेस आ गए हैं, अब अभिमन्यु सिंह और अक्षरा आ गई नए कलाकार हो गए हैं। अभिमन्यु सिंह का नाम है हर्ष चोपड़ा और दोस्तों अक्षरा का नाम है प्रणाली राठौर। इसके साथ वह अदालत है जज साहब, जहाँ तारीख पे तारीख लगती है, इंसाफ नहीं मिलता है, मिलती है तो तारीख मिल जाती है। नायक खलनायक एतराज अदबा और रुस्तम पिंक की मिचूर नहीं बोलता। सनी देओल की सभी ही फिल्मों में है दोस्तों। नायक घातक घातक देखी है दोस्तों। इसका नाम है माउंट मैरी चर्च, द बेसिलिका ऑफ लेडी माउंट। आज सैटरडे है, पार्क है, बॉलीवुड पार्क। हमें बोला कि फोटो ना खींचे, बोला मैं खींचती हूँ, देखते हैं फिर जाके। बापा दो चीजें हम लोग आए हैं। लोकेशन का नाम है राजस्थान रॉयल पैलेस। राजस्थान रॉयल पैलेस सबको राजस्थान में आकर के बनाया गया है। यहाँ पर तरीके से ऊपर जाकर शूट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट शूटिंग हुई है रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ वैलेंटाइन से सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा पानीपत है, थोड़ा सा पद्मावती, थोड़ा सा प्रेमचंद, धन पायो मैंने मारी बड़ा में डम 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 डोले बाजे। फर्स्ट शूट में बनाया है दोस्तों, वेडिंग प्लेस बनाई है। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, बच्चों की पार्टी, वेडिंग सब सब हो सकता है। और आप भी इसे बुक कर सकते हैं शाम को 7 बजे के बाद, मॉर्निंग 9 बजे से पहले पहले बुक कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है mumbai2c2.com, उसके अंदर आपको रेट पता चल जाएंगे। ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत नॉर्मल चार्जेस। और ये बम चेस थ्री मूवी से लेकर के आए हैं दोस्तों। ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हो ना, 90s से पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लोगों के घर में टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, उस जमाने में फिल्मों का पोस्टर लगा करता था, मतलब फिल्म आने वाली है, वो दौर समय पर रिक्रिएट किया गया है। और वो दोस्तों उस पॉइंट को कहते हैं रेड कार्पेट पॉइंट। उसका भी फोटो खिंचाओगे ऐसा लगेगा जैसे कि आप उस कार से बाहर निकले हो और फिर फैंस को ऐसे ऐसे कर रहे हो, उसके पॉइंट कहते हैं, उसका भी फोटो खिंचा लगेगा। मंदिर कुछ कुछ ऐसे होते हैं, भगवान विष्णु के समर्पित होते हैं मंदिर, तो भगवान विष्णु कलाकृति यहाँ पर है। छोटे मोटे सीन यहाँ पर हो सकते हैं, बड़े सीन आपको वहीं पर जाना पड़ेगा दोस्तों। ये जो है ये सीन शनिवार वाला बनाया गया बाजीराव मस्तानी से। फिलहाल मुझे कालीन दिखाया गया, दरबार यहाँ बनाया गया, लेकिन मराठा कालीन दिखाना होना जो चेंज करेंगे मराठा चल जाएंगे मराठा कालीन। अकबर जो थे, अकबर जो थे ना अपने कार्यकाल में सप्ताह में एक दिन ना एक जनता दरबार रखते थे, जहाँ ऊपर बैठ करके मतलब जनता की परेशानी क्या, पानी की कमी हो रही है, कहाँ क्या कमी हो रही है, ऐसे कहाँ का खाना भेजना ऐसी बातें करते थे। वो बनाया गया जोधा दरबार, राइट। दूसरे ये गोवा बनाया गया, गोवा ठीक है, बड़ी छोटी गोवा में कभी कभी छोटी यहाँ पे जा सकती है। बस यहाँ पे दिखाने की ये है कि CGI के थ्रू क्या क्या चेंजेस हो सकता है, कैसे ट्रेन गाड़ी वो सब वगैरह जो हमें पहले से मालूम है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वी आर वेरी स्मार्ट एंड वी नो ऑल दिस क्या होता है कैसे होता है। एंड वो बोलते थे पूरा एकदम उसका मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, ऐसे नहीं कि तुम जाओ एंड बैठो एंड कर लो, नो यू कैन नॉट डू दैट, दैट ऑब्वियस थिंक है, ये पढ़ाई एकदम एग्जैक्टली है तो ही तो कोई कर सकता है ना, वरना बताओ ये पीछे का लोग करना, ये तो सीजे है तो पता ही चल रहा था। एंड अच्छा है, बहुत कुछ लगा, और हमें भी वो प्रैक्टिस करवाया कि कैसे होता है, देखिए मैंने भी डांस किया।
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। माहिष्मती और ये राज खजाना, ये राज खजाना जिस राज खजाने में देखो यहाँ पे राज में के बाहर गंदा लग रहा है। चला चला गोटा सा भी कुछ कर रहे हैं वो। वाह मेरी कोई फोटो खींची इधर आ जाइए। हमने बोला मैं बॉलीवुड पार्क का बहुत चर्चा चल रही थी, रिसर्च करने आया हूँ। अरे हमारा फ्यूज उड़ गया, बहुत धमाल होता है यहाँ, बहुत मस्ती होता है, पूरा 100 साल का यहाँ रिकॉर्ड दिखाया जाता है। अब ये मार दे कचरे। सो मैं हूँ दिव्या आपकी होस्ट और इस सफर में आपकी दोस्त, और मैं हूँ संजय वर्मा के साथ। जी हाँ, तो फिल्म के जितने भी चांद सितारे हैं सब एहतराम करते हैं। बोल कर दिया उन्होंने, चित्रों को चलचित्र की दुनिया में परिवर्तित कर दिया। अगले रोहित मंगला सुना है, रोहित वर्मा सुना है, लेकिन रोहित प्यारे, प्यारे का मतलब क्या हुआ? मोदी जी ने कहा है मित्रा कोई प्यार करे ना करे सेल्फ डिफरेंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है सभी ऑडियंस आप भी प्यारे, और इनके बारे में क्या बताऊं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, मतलब बॉलीवुड के सबसे हैंडसम आदमी यही है। बेचारी घर की औरतों को भिखारी बनना पड़ रहा है वो फिल्म में। जब भी पति शाम को घर में आता है साड़ी बांध के शुरू हो जाती है, दे दे स्वामी पैसे, स्वामी खर्चा, स्वामी मेकअप, स्वामी फलाना, स्वामी स्वामी, वही गिर जाता है। इतना पागल बना रखा पुष्पा ने। हाँ ये किसका पुष्पा बोल रहे, इसके मुंह में चॉकलेट दो। अच्छा औरतों का सबसे प्यारा, अच्छा ये काल्पनिक कहानी है, कोई अपने पीछे प्लीज इसको पर्सनल ना ले। औरतों का सबसे प्यारा टैलेंट क्या होता है? रोना। आप बताइए, बता दीजिए। वेरी गुड, मुस्कुराना। हाँ आप बता दीजिए, आपसे पूछ रहे रोना। देखिए रोज रोज वो रोते हुए रोते अच्छी लगती है। आप बताइए, आप हंसरे बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, वो भी थोड़ा सा लगा कि कोई और स्टार दिख जाता ना मज़ा ही आ जाता, बट इट्स ओके। बहुत ढेर सारी मेमोरीज के साथ आए और पता नहीं वापस कभी जाएंगे, लेकिन मज़ा आ गया सच्ची में।